हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंग्लिश का लेसन 6 जो था द विंड एंड द सन, ओके, हमने ये रीड करा था। अब आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा, पहले हम करेंगे वर्ड्स मीनिंग, ओके, समझ लेते हैं। पहला है रोड। रोड किसको बोलते हैं आप सब लोग जानते हो? रोड बोलते हैं हम सड़क जिस पे हम चलते हैं, ठीक है, रास्ता, सड़क। कोट, कोट होता है ए मैंस जैकेट, यानी कि आदमी का जैकेट, आदमियों जो लोग पहनते हैं कोट, है ना, वो कहलाता है कोट। फिर है क्विकली। क्विकली मतलब मूविंग फास्ट, चलना, तेज चलना, मूविंग फास्ट, ओके। फिर है स्ट्रॉन्गर, ग्रेट इन पावर, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ताकत। फिर है पफिंग। पफिंग है ए शॉर्ट ब्रश ऑफ बाथ और विंड, यानी कि पफिंग फुलाना, ठीक है, पफिंग मतलब फुलाना। विंड ने क्या करा था, अपने मुंह को फुलाया था, जोर से हवा भरी थी अपने मुंह में, ठीक है, तो ये वही है पफिंग। फिर है चिक्स। चिक्स मतलब गाल, जो ये गाल होते हैं ना, ये होते हैं चिक्स। फिर है बिपिंग, मतलब साफ करना। मैंने क्या करा था, बिपिंग हेज फेस, यानी कि अपने फेस को पोंछा था, ठीक। फिर है वॉन। वॉन मीन्स जीतना, ओके। ये हो गए हमारे वर्ड्स मीनिंग। अब हमारे आते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स। क्या आते हैं, टिक द करेक्ट आंसर्स। तो फर्स्ट क्या है, हु ट्राइड फर्स्ट, किसने ट्राई करा था फर्स्ट, सन ने, विंड ने या मैन ने? तो विंड। किस पे टिक करेंगे, हाँ, विंड। फिर है हु वॉन इन द एंड, किस, कौन जीता और किसने खत्म करा इसको, किसने खत्म करा था, सन ने, सन ही जीता ना, उसी ने बाद में अपनी सनशाइन बढ़ाई थी, ठीक है। अब देखो हु साइड दिस टू वॉर्म, किसने किससे कहा, ओके। तो फर्स्ट है आई कैन गेट हैज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन, तो आंसर आएगा हमारा इसमें विंड ने सन से बोला, विंड टू सन, ओके। फिर देखिए सेकंड है आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, यानी कि किसने बोला कि आप ट्राई करो फर्स्ट, सन टू विंड, ओके। फिर है हाउ कोल्ड इट इज, किसने बोला, मेन टू हिमसेल्फ, मेन टू हिमसेल्फ, मतलब मेन ने अपने मन में ही बोली थी ये वाली बात। फिर है आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हैज कोट ऑफ, किसने बोला, विंड टू सन, यानी कि मैं नहीं उतरवा पाई इसका कोट, मैं इस चीज में सफल नहीं हो पाई, ठीक है, ये किसने बोला था, विंड ने कोर्ट से बोला था, तो विंड टू सन, किसने बोला था, विंड टू सन, सन से बोला था। फिर है आई हैव वॉन, ये किसने बोला, सन, सन ने विंड से बोला, यानी कि सन टू विंड, ओके। अब है देखिए चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द गिवन ब्लो एंड फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। अब देखिए इसमें क्या आएगा, वन डे द विंड एंड द सन हैड ए कॉम्पिटिशन, दे, देव के बाद में क्या आएगा, विंटेड, वांटेड, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, वांटेड। फिर है वांटेड टू मेक ए मैन टेक ऑफ हैज कोट फर्स्ट द विंड, आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ब्लो, ब्लू, ठीक है, हार्ड द मैन पुल्ड हैज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ। फिर देन द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड, द मैन फ्लैट हॉट फेल्ट हॉट एंड ही टुक ऑफ हैज कोट, ओके। तो ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई फिल इन द ब्लैंक्स के अनुसार। अब
वॉट डिड द, अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है। वॉट डिड द विंड डू टू गेट द मेन्स कोट ऑफ, तो आंसर्स हम क्या लिखेंगे इसमें, देखिए द विंड ब्लू हार्ट टू गेट द मेन्स कोट ऑफ, ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन है वॉट डिड द सन डू टू गेट द मेन्स कोट ऑफ, तो द सन साइन हार्ट टू गेट द मेन्स कोट ऑफ, ओके। अब थर्ड है वाई डिड द मेन होल्ड हैज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ, आंसर आएगा द मेन हेल्ड हैज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ बिकॉज विंड वॉज ब्लोइंग हैज कोट अवे, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है वाई डिड द मेन टेक ऑफ हैज कोट, तो आंसर आएगा द मेन टुक ऑफ हिज कोट ड्यू टू हॉट वेदर, ओके। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अब देखिए इसमें एक चीज क्या है, लुक एट दिस पार्ट ऑफ वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स, इसका क्या बताना है हमको, अपोजिट मीनिंग्स बताना है। जैसे क्या, हॉट का कोल्ड, बिग का स्मॉल, स्ट्रॉन्ग का वीक, इसी तरीके से गुड का बैड, हार्ड का सॉफ्ट, टॉल का शॉर्ट, ब्लैक का वाइट, ओके। फिर है हेयर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी, फाइंड थ्री मोर डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी दैट एंड इन इंग ING एंड देन राइट देम हेयर, ओके। तो कौन से हैं, फर्स्ट फर्स्ट में क्या आएगा, स्माइलिंग, सेकंड में ब्लोइंग और थर्ड में शाइनिंग, थर्ड में क्या आएगा, शाइनिंग, ओके। फिर है आपके इधर देखिए, आपको टिक करना है राइट और रॉन्ग का, ओके। इट्स लिसन एंड आंसर, यू टीचर विल रिसीट इट आउट टू यू, आर दीज सेंटेंस राइट और रॉन्ग्स, ओके। तो फर्स्ट क्या है, द विंड कैन ब्लो डाउन ए हाउस, तो क्या आएगा आंसर, क्या लिखेंगे हम, राइट। फिर द विंड कैन ब्लो डाउन ए फील्ड, क्या आएगा, रॉन्ग। फिर है द विंड कैन ब्लो डाउन ए चाइल्ड, राइट, ठीक है। द विंड कैन ब्लो डाउन ए ट्री, राइट, ठीक है। द विंड कैन ब्लो डाउन ए रिवर, रॉन्ग, ओके। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई चिल्ड्रंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेसन 7 आपको रीड करेंगे हम लोग, ओके। तो जब तक के लिए चिल्ड्रंस बाय बाय एंड टेक केयर्स।